हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस्टोक एडवाइजरी। मैं पल्लवी आपका वेलकम करती हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है क्या कहते हैं आईपीओस। जुलाई को बारिश का सीजन तो कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि आईपीओस भी इस महीने काफी आने वाले हैं। तो आईपीओ का भी सीजन अगर इसे कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इसी सीक्वेंस में जो सबसे पहला आईपीओ आ रहा है उसका नाम है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। जानेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस, फाइनेंशियल के बारे में, और क्या हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं, कंपनी का नाम है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। नाम से ही क्लियर है कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। बेसिकली जो कंपनी का काम है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम कंपनी करती है, ईपीसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। कंपनी जो बेसिकली 100 से ज्यादा करंटली प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर चुकी है, 4 बीओटी प्रोजेक्ट कंपनी के अंडर प्रोसेस है। जानेंगे कंपनी की आगे प्रोफाइलिंग मेरे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यानी कंपनी बेसिकली मटेरियल को प्रोक्योर करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, किसकी फॉर्म में, हाईवेज और बेसिकली जो है हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इनमें जो है बेसिकली कंपनी वर्क करती है। कंपनी का जो है मेनली 3 कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस है। जो पहला कैटेगरी है सिविल कंस्ट्रक्शन का। सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपनी जो है बेसिकली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जो हमने ईपीसी की पहले भी बात की थी, उसके अंडर वर्क करती है। सेकेंड एक्टिविटी जो है कंपनी की ऑपरेशंस है जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, हाईवेज ऑन बीओटी बेसिस। अब बीओटी बेसिस की जो बात आ रही है, बीओटी क्या है, बेसिकली हम इसे बोलते हैं बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। यानी कि कंपनी क्या करती है, लार्ज स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है। कंपनी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को फंडिंग देके उनके थ्रू जो है अपना वर्क निकलवाती है। अब कंपनी का जो थर्ड बिजनेस ऑपरेशन है वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का। यानी कि इन सारा जो मटेरियल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, फैब्रिकेटिंग मेटल क्रैश बैरियर्स हो गए, फ्यूल्स एक्सेट्रा, जो कंपनी के आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। कंपनी ने 100 से ज्यादा रोड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। करंटली इसके जो 4 बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 1 उदयपुर, 1 गुवाहाटी और 1 संडीला यानी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की, कि क्या क्या स्ट्रेंथ एरियाज है। तो कंपनी ने, जैसे मैंने पीछे बात की कि 100 से ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि कंपनी का एक्सपीरियंस इस फील्ड में काफी वाइड है। और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वो भी काफी अच्छी है कंपनी की। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, वो भी काफी स्टेबल है, वो भी आगे जानेंगे कैसे। और जो इनके प्रमोटर्स और मैनेजर्स की टीम है वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो टोटल एसेट्स है, अगर हम ध्यान दें 2019 से 2021 तक, तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ही हुई है। 30-40% की ग्रोथ देखने को मिली है टोटल एसेट्स में। सिमिलरली टोटल रिवेन्यू की भी बात करूं तो वो भी सिग्निफिकेंटली 20-30% इंक्रीज ही हुआ है। और पैट की बात करें तो उसमें भी 30-40% का हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ लाने का पर्पज क्या है कंपनी का, तो कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराना चाहती है। और कुछ, अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए कंपनी को लार्ज कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी रहती है प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके लिए आपको तो पता ही है क्योंकि गवर्नमेंट जो फंडिंग प्रोवाइड करती है वो फंडिंग जो बेसिकली है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी कंप्लीट होने के बाद मिलती है। तो इन बिटवीन अगर कंपनी को कंस्ट्रक्शन के वक्त कुछ फंडिंग की जरूरत है तो वो फंडिंग जो है अब रेज करना चाहती है थ्रू दिस इशू। अब जो बेसिकली है, और एक और चीज, जिस आईपीओ से जो भी अमाउंट आएगा वो कंपनी ऑफर फॉर सेल पर्पस के लिए यूज करेगी, यानी कंपनी के पास ये फंडिंग नहीं रहने वाली। अब बेसिक डिटेल्स की बात करें कंपनी की, तो आईपीओ ओपनिंग डेट है July 7, 2021 और क्लोजिंग डेट है July 9, 2021। कंपनी की फेस वैल्यू 5 पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस बैंड है 828-837 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट साइज की बात करें तो 17 शेयर्स का है और लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पे होने वाली है। अब इसके बाद अगर हम बात करें लिस्टिंग डेट, तो वो है July 19 की। अब ये तो हमने बात की थी कि कंपनी के बेसिक्स के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में। अब जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स
जो कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। कंपनी का अगर पीयर्स यानी कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कंपनी के अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, ये कॉम्पिटिटर्स मार्केट में जो है वो करंटली है, जो कि अगर उनसे उनकी परफॉर्मेंस से कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो ये एक प्लस फैक्टर हो जाता है आपका अप्लाई करने के लिए आईपीओ। प्लस जो आईपीओ का हम कंपैरिजन करें इसके ओवरऑल जो कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में तो काफी ये अंडरप्राइज है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी चीज, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली जो है इस आईपीओ का चल रहा है अप्रोक्सीमेट 40%। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्लस अगर आपको चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इस आईपीओ को आप सब्सक्राइब करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई आईपीओ के साथ। बाय बाय।